नमस्कार, लेलोराम डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। एशिया के 20 सबसे अमीर लोगों की कमाई का आंकड़ा इतना है कि जितने में एशिया के ही 20 सबसे गरीब देशों की कुल जीडीपी है। जी, इस सूची में नंबर वन पर है मुकेश अंबानी। आइए जानते हैं और कौन कौन है इस सूची में। एशिया के 20 सबसे अमीर कारोबारी परिवारों के पास अब 450 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति है। ब्लूमबर्ग की ओर से तैयार इस सूची में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार 50.4 अरब डॉलर संपत्ति के साथ सबसे आगे है। शाहपुर जी, पालोन जी और हिंदुजा ब्रदर्स भी एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में शामिल हैं। इन 20 परिवारों की संपत्ति एशिया के 20 गरीब देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। मुकेश अंबानी का परिवार एनर्जी, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर से धन अर्जित कर रहा है, तो सूची में सातवें नंबर पर मौजूद दूसरा भारतीय उद्योगपति परिवार यानी कि शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप का मालिक है। इनका कारोबार इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन आदि सेक्टर में है। सूची में 16वें नंबर पर हिंदुजा ग्रुप है जो कि ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छा प्रभाव रखता है। टॉप 20 अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर हांगकांग का क्वाक परिवार है जिसका यहां के रियल एस्टेट कारोबार पर कब्जा है। इस परिवार के पास 38 अरब डॉलर की संपत्ति है। वहीं चौथा सबसे अमीर परिवार थाईलैंड से है। थाईलैंड का चेरावेनोन परिवार जो कि फूड, रिटेल, टेलीकॉम आदि के कारोबार में शामिल है, इनके पास कुल 37.9 अरब डॉलर की संपत्ति है। एशिया के कई बिजनेस घराने कम और मध्यम आमदनी वाले देशों जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस से आते हैं जहां संपत्ति बंटवारे में बहुत असमानता है। 2012 में भारत में 10% परिवारों के पास 62% संपत्ति थी जबकि 2014 में इंडोनेशिया में 10% परिवारों के पास 38% संपत्ति थी। ऐसा ही अंतर हांगकांग में भी देखा जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इस ओर भी इशारा करती है कि एशिया के टॉप 20 में से कितने उद्योगपति परिवार अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से अर्जित कर रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल हांगकांग के परिवारों के लिए भी यही सच है। उनके लिए यह चिंता की बात है कि हांगकांग में मौजूदा गुस्से के पीछे एक वजह प्रॉपर्टी की अधिक कीमत भी है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी मार्केट पर उनकी पकड़ ढीली करने के लिए कुछ रेगुलेशंस लगाए जाएं। IMF के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में एशिया के 20 सबसे गरीब देशों की GDP कुल 468.5 अरब डॉलर थी। इन देशों की संयुक्त जनसंख्या 2018 में 21.36 करोड़ थी। एशिया में सबसे कम 2.6 अरब डॉलर संपत्ति भूटान की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।